दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनकम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सचिदानंद। दोस्तों दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम रोशनी डाल रहे हैं हमारे अंदर छुपी सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे अहंकार अहंकार ईगो। जी हाँ दोस्तों इस आय की जर्नी तो हमारे बर्थ से ही शुरू होती है और वो चली आ रही है अनादि अनंत काल से। कभी रुकी है क्या? तो ये अहंकार क्या है? शायद ये कॉमन बिलीफ है कि जिंदगी जीने के लिए अहंकार तो जरूरी है। आपको क्या लगता है? और अगर जरूरी है तो वो फायदेमंद है या नुकसानकारक? वो मन बुद्धि और चित्त से कैसे जुड़ा है? चलिए हम आज उसको डिटेल में जाने हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा मेरा प्रश्न है अहंकार किसको बोलते हैं? रियल अने ओरिजिनल अहंकार उसे कहा जाता है कि जो हम खुद रियल में है। क्या नाम है आपका? देवेन। रियल में आप जो है उसके बजाय आप जो नहीं है उसको मानते हो उसे अहंकार कहा जाता है। देवेन तो आपका नाम है, इस शरीर को पहचानने के लिए दिया हुआ गए नाम नेम प्लेट है। लेकिन आप क्या मानते हो कि मैं देवेन हूँ? नाम को मैं, मेरा नाम देवेन है, मैं देवेन नहीं हूँ। आप ये नाम के मालिक है फिर भी आप कहते हैं कि मैं देवेन हूँ। तो आप जो नहीं है उसको आप मैं हूँ कहते हो, उसे अहंकार कहते हैं। दरअसल में आप आत्मा है, आप देवेन नहीं है। इस शरीर को पहचानने के लिए दिएगा नाम है। आप शरीर भी नहीं है, शरीर मेरा शरीर कहते हो, मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये दो चीज अलग है। ये अलग जब है ऐसा अनुभव होता है तब अहंकार नहीं रहता है। और ये मैं एक ही हूँ, मैं ही देवेन हूँ ऐसा जब रहता है तब अहंकार कहा जाता है। और ये संसार में संसार का रूट कॉज ही है अहंकार है, और जन्मों जन्म भटकने का यही रूट कॉज है। और इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को, अर्जुन ये इंद्रियों शरीर के ऊपर इंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, और अहंकार से भी ऊपर आत्मा है, टॉप ऑफ ऑल आत्मा है, रियल आत्मा है। और उसके बाद का सब रिलेटिव है, लेकिन रिलेटिव में भी सबसे अंतिम चीज अहंकार है। ये अहंकार संसार के लिए हेल्पफुल है कि दुखदायी है? संसार में सब दुखों का कारण, भटकने का कारण अहंकार ही है। सुख जो मानते हैं संसार में वो रियल सुख नहीं है, रिलेटिव है, टेम्पररी है। वो बिलीफ के हिसाब से सुख मिलता है। जलेबी में सुख है, जलेबी खाने में मजा आती है, ऐसी मानती है मान्यता जिसकी है उसको सुख मिलेगा, सभी को नहीं। समझ में आया ना? तो ये बिलीफ से ही पाया हुआ सुख है, रियल सुख नहीं। रियल सुख यूनिवर्सल सुख तो हर किसी को सुख ही देगा जो आपके आत्मा में है। हर किसी के अंदर आत्मा है, उसमें है, और उसमें कोई फर्क नहीं है, सही का ही है। भी हम देखते हैं कि ये जो बिलीफ की बात आपने कही तो हर एक की बिलीफ अलग अलग होती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को वही चीज बुरी लगती है, तो उसका क्या कारण होता है? वो बिलीफ कहाँ से उत्पन्न कहाँ से होती है? हर एक को अलग अलग संजोग सामने आते हैं, संजोग के मुताबिक वो उसमें इन्वॉल्व होता है। सबके संजोग सरीके नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जिसको जो संजोग मिलते हैं उस संजोग में इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होने की वजह से वो बिलीफ से वह चलता है, बिलीफ उसको लग जाती है।
उसके अंदर फिट हो जाती है, वो जाती नहीं है फिर, तो सब रॉन्ग बिलीफ। राइट बिलीफ सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो रॉन्ग बिलीफ है जो है वो कैसे निकाली सकती है? राइट बिलीफ पाने से, और जिसके पास ये राइट बिलीफ है उसके पास से मिलती है। रॉन्ग बिलीफ वाले के पास ही रॉन्ग बिलीफ ही मिलेगी, राइट नहीं मिलेगी। जिसके पास राइट बिलीफ है उसके पास से राइट बिलीफ ही मिलेगी, रॉन्ग नहीं मिलेगी। सीधी बात है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की, अहंकार की, यानी हमारे अपने आई की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आज मंदिर में ऊपर मैंने एक वाक्य पढ़ा है, सहन शक्ति इज मदर ऑफ इगोइज्म। तो ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। एक सूत्र जीवन में अपनाओ, सहन नहीं करने का है, सॉल्व करने का है। सहन करने से स्प्रिंग के जैसा आप दबाते हो, सहते हो। और स्प्रिंग को जैसा दबाते ऐसा होता है, लेकिन स्प्रिंग की भी लिमिट होती है। वो लिमिट आते ही फिर आगे वो नहीं आप सह पाओगे, वहाँ ही स्टॉप हो जाओगे। फिर आगे क्या होगा? तो फिर वो स्प्रिंग है तो दबती नहीं है, तो फिर वापस रिबाउंस हो जाएगी, रिबाउंस उछलती है। तो जितना आपने दबा दबा के बंद रखा उतना ही फोर्स से वो बाहर निकलेगा, साथ में ही निकलेगा। पहले वो तो अंदर दबाते हैं तो थोड़ा 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 करके दबाते हैं, लेकिन जब निकलता है तो सारा एक साथ निकलता है, तो ब्लास्ट होता है, तो उसकी असर भारी होती है। आपका भी बिगाड़ता है वह, और आपके नज़दीक के सारे रिश्तेदारों का भी बिगाड़ता है। तो वहाँ आप जो जिस समय उस दबाते हो, वो दबाने के बजाय वहाँ ही उसको सॉल्व करो, ताकि वहाँ क्या वहाँ ही वो निकल जाए, अंदर ना रहे। लेकिन इसको मदर ऑफ इगोइज्म क्यों कहा? ये दबाने की क्रिया अहंकार से होता है, अहंकार ही दबा सकता है, और वो अहंकार फिर फोर्स से दबता है, फिर उतना ही फोर्स से बाहर निकलता है। अहंकार के बगैर आप दबा नहीं सकोगे। कंट्रोल करने वाला कौन है? अहंकार है। तो सॉल्व करने में भी अहंकार आता होगा? नहीं, सॉल्व करने में समझदारी आती है, विजन आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, अंदर कुछ आफ्टर इफेक्ट नहीं रहती है। सपोज आपको किसी ने गाली दी, एक बार दी, तो सपोज आपके कोई बुजुर्ग होगे तो आप चलो बड़े हैं उनके सामने कैसे हम बोलेंगे, चुप हो जाओ बोलोगे नहीं, सामने कुछ रिएक्ट नहीं होगे, सयाने रहोगे। लेकिन भीतर में आपको क्या होगा कि साला बोलता है लेकिन खुद ही महामूर्ख है, मेरे को ऐसा बोलता है, खुद कैसा है मुझे मालूम है, जब मेरी बारी आई तो दिखा दूंगा, अभी नहीं बोल सकता हूँ मैं, ऐसा करके उस समय आपने बाहर ब्लास्ट नहीं होने दिया लेकिन दबाया। फिर दूसरी बार उसी व्यक्ति ने कुछ और कुछ कहा तो उस समय दबाया, तीसरी बार, पांचवी बार, दसवीं बार, पच्चीसवीं बार, दबाते गए, लेकिन भीतर में उतना ही चलते गया कि यह आदमी, यह इंसान नालायक है, गदा है, इसको मैं सीधा करूँगा, मेरे को चांस मिलना चाहिए। इसे भीतर में दूसरे बाहर दबाते हो लेकिन अंदर अहंकार तो वो नहीं निकल पाता है, वो तो उतना ही रहता है अंदर, बढ़ता है लेकिन जाता नहीं है। तो यह सहन करते गए आप, सॉल्व नहीं हुआ। बाहर से आपने बताया कि हम सह रहे हैं, अंदर नहीं हुआ, अंदर तो उतना ही असर, उससे बढ़कर होगी, ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। और सॉल्व करना बोले तो क्या, आपको आप किसी ने गाली दी तो आपकी समझ, आपको समझदारी है, आपके विजन में है, विजन खुला हुआ है आपका, कुछ ज्ञान है आपके पास, कुछ समझ है, विजन है कि यो जो गाली देता है, क्या नाम है आपका? राकेश। ये राकेश को गाली देता है, और ऐसे तो कोई गाली नहीं देता है, कुछ हिसाब होगा, और बुजुर्ग है, उनको हक है, देने दो गाली,
मेरे कुछ हिसाब था, उन्होंने दे दिया, मेरा हिसाब खत्म हो गया। बड़े बड़े उपकारी है, मुझे इस कर्म में से छुड़वाया उन्होंने, मेरा हिसाब फिनिश हो गया। और आप बैठते हो हर रोज, जो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, इंट्रोस्पेक्शन में ये भी देख लो कि बड़े बुजुर्ग ने मुझे गाली दी, मुझे कुछ कहा, बुरा कहा, तो मेरे में क्या कुछ बुराई तो नहीं है? शोधो, उस बुराई को ढूंढो और उसमें से बाहर निकलने का निश्चय करो, दोबारा ऐसी गलती न हो ऐसा निश्चय करो। तो आपको अगर वो बुराई आपकी दिख गई तो आप खुश हो जाओगे, अरे इन्होंने कहा तभी तो मुझे यह बुराई मिली, पकड़ गई, नहीं तो वैसी के वैसी रहती थी और मैं बुरा का बुरा ही रहता था। आज इन्होंने मुझे ये बुराई बताई तो मुझे ये बुराई देखने का मौका मिला और इसमें से बाहर निकलने का सुअवसर मिला। तो उसी व्यक्ति जो आपको, आपके बुजुर्ग आपको बुरे लगते थे, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, उपकारी लगेंगे कि मेरे में से ये सारी चीज़ें निकालवाई इन्होंने कुछ कहकर, नहीं तो मुझे कौन बताता था ये ऐसी चीज़ें। तो यह सॉल्व करते हो आप, उसके लिए कोई बुरी बुरे भर प्रतिभाव नहीं रहते हैं मन में, ऊपर से उपकारी भाव रहता है, प्रेम उतना ही रहता है। समझ में आया ना? बढ़िया है। इसको सॉल्व किया कहा जाएगा, सहन करना और सॉल्व करना, परमानेंट सॉल्यूशन। फिर वह चीज आपके दिमाग में कभी आएगी नहीं और आपको परेशान नहीं करेंगी। इससे बढ़िया जवाब आज तक मैंने नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की। दोस्तों, तो इस अहंकार से छुटकारा कैसे पाए, चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। अब हम रिटायर हो गए हैं सर्विस से, तो जब हम ट्यूशन करते हैं और हमारे बच्चे जो जिनको हम पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, तो भी हमको उन पर नाज अहंकार हो जाता है कि हमारी वजह से वो बहुत अच्छे नंबर लाए। और हम लोगों से जो दूसरे माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेके, उनको कहते हैं कि हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए, वो उसमें भी एक अहंकार की बू आ जाती है। अब उससे कैसे बचा जाए? यही सब संजोग संजोग की बात है। कभी ऐसे भी स्टूडेंट आ जाते हैं, आप बड़ी मेहनत करते तो भी फेल हो जाते हैं जी, तब क्या करें? वही के वही पढ़ाने वाले आप, वही होशियारी, वही सब कुछ, लेकिन कभी फेल भी हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट रहा तो भी फेल हो सकता है। तो ये सब संजोग की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात रहती तो सबको ही हम टॉप 10 में ले आते थे जी। खुशी रखो, आनंद रखो, अच्छा 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 अव्वल नंबर से पास हुआ, अच्छे मार्क्स लाए, उसकी खुशी रखो। अहंकार तक मत चले जाना, अहंकार भुगतने में ले जाता है, भुगतने वाला ही अहंकार है। खुशी भी वही भुगतता है और दुख भी वही भुगतता है। अंदर आनंद रहो, आनंद में रहो हमेशा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना अहंकार के बारे में। हमारे प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें बताया कि कैसे हम इस अहंकार की पकड़ से छूट सकते हैं। तो चलिए आत्मज्ञानी से ज्ञान पाके निर अहंकारी पद की जर्नी शुरू करें। ऐसे ही और ज्ञान भरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-877-505-DADA extension 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए निर अहंकारी बनने का पुरुषार्थ करते रहिए। जय सच्चिदानंद।